अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फेमस डिश हलीम, कराची के स्टाइल में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, सबसे पहले हमने गेहूं ले लिए हैं, होल व्हीट 750 ग्राम्स मैंने लिए हैं। ये 1 kg का पैकेट है बट मैं 750 ग्राम्स ले रही हूँ। होल नाइट हमें इसको सोक करके रख देंगे। तो 750 ग्राम ये मैंने गेहूं ले लिए हैं, ये देखिए 1 kg के पैकेट में से 750 यूज़ किया है, बाकी रख दिया है मैंने। अच्छे से देख लेंगे इसको कि इसमें कुछ कचरा वगैरह तो नहीं है। अच्छा, अब मज़ीद इसमें हम कुछ दालें ऐड करेंगे। तो 2 tablespoons मैंने इसमें मसूर की दाल ले ली है, जस्ट 2 tablespoon यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं। ये जो तीनों दालें मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा इससे एक लेस आएगा। आपने जो बाज़ारों की हनीम में देखा है, जो चिकनाहट जो एक लेस होती है, वो इन दालों की वजह से है। तो 2 spoon मैंने इसमें चने की दाल ले ली है, 2 tablespoons। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 tablespoon मूंग दाल। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है और अच्छे से हम इसे वॉश करके ओवरनाइट सोक करके पानी में रख देंगे। तो देखिए मैंने इसे वॉश कर लिया है, अब मैं इसे कवर करके ओवरनाइट के लिए रख दूँगी। अच्छा जी, देखिए नेक्स्ट डे मैंने फिर इसे अच्छे से पानी वो सारा डिस्कार्ड कर दिया है और फ्रेश इसमें नया पानी, नया वाटर डाल के सॉल्ट डाल दिया है मैंने 1 tablespoon, 1.5 tablespoon और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ये डाल के हम इसे बॉयल करने के लिए स्लो मीडियम फ्लेम में रख देंगे। मज़ीद कुछ मसाले इसमें ऐड करूँगी मैं। हल्दी जाएगी इसमें अराउंड 1 tablespoon, लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया है 1 tablespoon, आप स्पाइसेस अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, हलीम का मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें शान का, बहुत ही एक अच्छा फ्लेवर आता है इसमें हलीम का। तो आधा पैकेट जो है वो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ गेहूँ में, और हाफ पैकेट जो है वो मैं मीट में यूज़ करूँगी जब हम इसकी गोश्त प्रिपेयर करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम इसे बॉईल करने के लिए रख देंगे 1.5 hour, maybe 2 hours it takes, जो गेहूँ अच्छे से हमारे बॉइल्ड हो जाएंगे। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी इसको कर सकते हैं। अच्छा जी, जब तक गेहूँ हमारे बॉइल्ड हो रहे हैं तब तक आ जाते हैं गोश्त प्रिपेयर कर लेते हैं इसके लिए। ऑयल ले लिया है मैंने 1.5 cup, ऑयल गरम करने के बाद एक बिग साइज़ की मैंने अनियन ले ली है, उसको स्लाइस में कट कर ली है और हम इसे कर लेंगे ब्राउन। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है, बस एक लाइट सा ग्राउन गोल्डन कलर देना है हमें इसे। अच्छा जी, प्याज देखें कलर चेंज हो जाएगा, हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी प्याज। तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे गोश्त, ऐड करेंगे इसमें।
मीट ले लिया है मैंने, इसमें बोनलेस मीट है ये, 1 kg लिया है मैंने। 750 ग्राम गेहूं के साथ मैंने यूज़ कर रही हूँ 1 kg। गोश्त की मकदार थोड़ी ज़्यादा होगी, तो जितना ही ज़्यादा गोश्त की मकदार होगी हलीम उतना ही मज़ेदार बनेगा। तो गोश्त को भी हम अच्छे से भून लेंगे प्याज के साथ अराउंड 5 to 10 मिनट्स। ये देखें गोश्त का कलर चेंज हो गया है। टेन मिनट्स मैंने इसको प्याज के साथ कुक कर लिया है मीट को। अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट आएगा इसमें 1 टेबल स्पून। सॉल्ट जाएगा इसमें 1.5 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी नमक ऐड कर सकते हैं। याद रखिएगा मसाले, पैकेट के मसाले में भी नमक होता है, तो नमक थोड़ा कम ही डालिएगा, फिर आप उसको बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर मैंने डाला है 1 टेबल स्पून। अगेन स्पाइसेस आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हल्दी जाएगी 1/2 टेबल स्पून। गरम मसाला जाएगा 1/2 टीस्पून। और शान का जो पैकेट मैंने हाफ गेहूं में यूज़ किया था, वही 1/2 पैकेट मैं डालूंगी मीट में। यह है शान का हलीम का मसाला। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ी सी उसकी भुनाई कर लेंगे 5 to 10 मिनट्स के लिए। देखिए तेल ऊपर आ गया। अब मैं इसमें 1/2 ग्लास पानी डाल के प्रेशर कुकर लगा के इसको प्रेशर दे दूंगी। तो देखें कुक प्रेशर देने के बाद देखें गोश्त हमारा रेडी है, परफेक्टली गल चुका है ये। थोड़ा सा मैंने इसमें लिक्विड रखा है क्योंकि हम इसको ऐड करेंगे हलीम के अंदर। अच्छा जी देखें मीनवाइल हमारे गेहूं भी बॉईल हो चुके हैं। आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर से कर लें, और मैंने इसे जूसर में डाल के मिक्सर में इसको ग्राइंड कर लिया है। अच्छा जी गोश्त को मैंने चॉपर में चॉपराइज कर लिया था। आप चाहे तो हाथ से रेशा कर लें और चॉपराइज कर लें, आपकी मर्ज़ी है। स्पून की मदद से आप करना चाहें आप तब भी कर सकते हैं। तो सारा भी जो भी इसका लिक्विड था गोश्त का, उन तमाम चीज़ों को मिक्स करके हमने इसमें हलीम में डाल दिया है। जो गोश्त का रेशा किया है और जो उसमें लिक्विड था, दोनों को हलीम में ऐड कर लिया है। अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें वाटर ऐड करके इसको पकने के लिए रख देंगे। अच्छा तो अब हमने इसमें ऐड करा है 1.5 कप पानी ऐड कर लिया है, और स्लो फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे। तो ये देखें पानी डालने के बाद अच्छा सा ये गाढ़ा हो चुका है। मज़ीद इसको थोड़ी देर हम और पकाएंगे। सो मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल हम इसे कुक करने के लिए रख देंगे। अराउंड 40 to 45 मिनट्स हल्की आंच पे ये पकता गया है। तो ये देखिए अच्छे से पक चुकी है ली। अच्छा जी एंड में हम इसे थोड़ा सा पिघार देंगे, तड़का देंगे। उसके लिए मैंने तली हुई प्याज ली है, हरी मिर्चें ली हैं और अदरक लिया है। तेल गरम करके मैंने इन तमाम चीज़ों को तेल में डाल के अब मैं हलीम पे इसका तड़का लगा रही हूँ। तड़का देने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी, ये देखिए कितनी अच्छी गाढ़ी सी और लेस वाली हलीम रेडी है। टेक्सचर देखिए आप इसका।
सर्व कर लेंगे। हमने एक बाउल ले लिया है, उसमें चेक करें लेज़, देखें कितना ज़बरदस्त इसका लेज़ आ रहा है। गाइस डू ट्राई इट, बहुत ही मज़ेदार ये हलीम बनी थी। सो डू ट्राई माई रेसिपी। अच्छा जी, गार्निश कर लेंगे इसको, लेमन है, तली हुई प्याज है, हरा धनिया है, अदरक है और चाट मसाला है। चाट मसाला स्प्रिंकल कर लिया है मैंने। अदरक डाल ली, हरी मिर्चें डाल लेंगे, फ्राइड अनियंस, हरा धनिया स्प्रिंकल कर लिया है, लेमन स्क्वीज कर लें। तो लीजिए, मज़ेदार सा हलीम हमारा रेडी हो चुका है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।